सुशील का। अरे आप चाय पीजिए ना, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसे आने में, वो बस बना के लाती है। एम्बरेस सुशील को। देखो बहुत बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका है। स्वागत अच्छी नहीं हुई, स्वागत पे कुत्ता आ गया। सुबह सुशील और सत्या साथ में वर्कआउट कर रहे थे, वहाँ पे एक ऑकवर्ड मोमेंट उनके बीच में हुई जो हमने कल सीन शूट किया। आज मुंह दिखाई की रस्म है, साड़ी दी गई है। जब सुशील नहाने जाती है तो जो दादी है वो सुशील की साड़ी काट देती हैं कि वो ढंग से पहन भी ना पाए, पर सुशील जुगाड़ लगाती है। सुशील क्या करती है कि देखती है आसपास, बचपन से उसकी क्या आदत थी, जब भी कुछ फट जाता था कपड़ा या जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो उसको स्टेपल कर देती थी। तो वो देखती है कि रूम में एक पर्दा है वाइट कलर का, ये वाला पर्दा, तो वो पर्दा निकालती है और क्योंकि पल्लू उसका बहुत छोटा पड़ रहा था तो पल्लू में अटैच करके उसको स्टेपल कर देती है। तो बचपन से जो उसने सीखा है वो यहाँ पर भी उसको अपना कर, क्योंकि अब पल्लू छोटा है तो मुँह कैसे ढकेगी, मुँह ढक ही नहीं पाई, तो उसने स्टेपल करके पल्लू को लंबा किया पर्दे से और पूरा यहाँ तक घूंघट करके यहाँ पर आई और मुँह दिखाई की रस्म बड़े अलग ढंग से कर रही हैं दादी जी। वो कहती हैं कि आप सबको शीशे में देखेंगे, थोड़े अलग ढंग से हम मुँह दिखाई की रस्म करेंगे। तो शीशे में जब वो इस तरीके से प्लेस किया जाता है शीशा कि सुशील की सिर्फ गर्दन गर्दन तक दिखती है, तो सब दोबारा नोट करते हैं कि भाई तेरी तो बहु कितनी लंबी है, क्या कहाँ से लाएगी, और भी एक दो मजाक वाले डायलॉग्स बोले जाते हैं। फिर फाइनली दादी जी बोलती हैं सुशील को कि कुछ बना के खिला। सुशील बोलती है कि दादी जी माँ मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। तो वो दादी जी जो लीला है वो बड़े गुस्से में बोलती है कि नहीं तुझे जो बना कुछ भी बना पर बना के इनको भूखे खाली पेट थोड़ी ना भेजेगी। तो फाइनली सुशील किचन में जाने वाले, अब उसके बाद क्या ड्रामा होता है वो देखते हैं। अपने हाथ से अपनी पहली रसोई बनाओ और बिखेरते हो